हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ क्या WWE रॉयल रंबल 2022 में, यानी जो आने वाला WWE का पेपर व्यू है रॉयल रंबल, क्या उसमें जॉन सीना सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन सिनेशन लीडर अपना रिटर्न करने वाले 30 मिनट रॉयल रंबल में बताऊंगा। वीडियो के अंदर चैनल को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो 6400 जल्दी से कराओ, ठीक है गाइस जल्दी से। लास्ट टाइम हमें देखने को मिले थे हमारे जॉन सीना, हमें लास्ट टाइम देखने को मिले समर स्लैम 2021 में रोमन रेंस का इनके साथ मैच हुआ था यूनिवर्सल टाइटल मैच के, ठीक है गाइस। उससे बाद से हम रोमन और मैं बोल रहा हूँ कि जॉन सीना नहीं देखने को मिले 2021 के बाद, यानी समर स्लैम के बाद नहीं देखने को मिले वो, ठीक है गाइस। 2021 में जैसे समर स्लैम हुआ था रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना यूनिवर्सल टाइटल मैच, ठीक है गाइस। ये मैच के बाद जॉन सीना ने अच्छा मैच लड़ा था, उसके बाद नहीं तो वो डे वन में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देवे, नहीं तो वो डे वन में नहीं तो ट्राउन शूज में आए। अभी वो आएंगे तो रॉयल रंबल में आएंगे, 30 मैन रॉयल रंबल पे आएंगे तो वो 30 नंबर पे आएंगे और आके किसको कन्फर्म करेंगे ये देखना मेरे को एक इंटरेक्शन चेंज रहेगा, ठीक है एक इंटरेस्ट रहेगा किसको आके कन्फर्म करते हैं। अगर 30 मैन रॉयल रंबल जीत जाते क्या वो रोमन रेंस को एक बार वापस चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 38 के लिए, क्या फिर वो WWE चैंपियनशिप का मैच होएगा ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेंगे, देखना इंटरेस्ट रहेगा किसको आके रेसलमेनिया 38 में चैलेंज करते हैं रॉयल रंबल जीत के हमारे 16-time वर्ल्ड चैंपियन सिनेशन लीडर जॉन सीना। अगर वो अपना रिटर्न करते हैं रॉयल रंबल 30 मैन में और वो जीत भी जाते और वो आके कन्फर्म किसको करेंगे, मैं अपना बता रहा हूँ वो कन्फर्म करेंगे ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हुई थी, ब्रॉक लेसनर ने FI दे दिया था जॉन सीना को ऑफ फेयर जाने के बाद समर स्लैम, ठीक है गाइस। तो इनका मैच हमें रेसलमेनिया 38 में देखने को मिल सकता है बिल्कुल ही, ठीक है गाइस। रेसलमेनिया 32 के नाइट इवेंट में देखने को मिल सकता है और रोमन रेंस का भी मैच हो सकता है, ठीक है गाइस। ये कुछ मेरी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए, एक अच्छी वीडियो थी, लाइक करो एंड सरप्राइज करो, ठीक है गाइस करो, ठीक है गाइस। और ऐसे ऐसे वीडियो जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना मत भूलना, ठीक है गाइस। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।